मानव शरीर प्राप्त करके प्राणी क्या करता है, उसे करना क्या चाहिए, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान सत्संग से होता है। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जिसके अंदर सत्संग परमात्मा की चाह है, प्रेरणा है, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, कोई ना कोई भक्ति विधि अपनाए हुए है। और उन सबसे उत्तम वो प्राणी है जिसके अंदर भक्ति की प्रेरणा है और उसको सतगुरु मिल जाता है मानव शरीर के अंदर। तो पुण्यात्मा, आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो, उन बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तीन क्वालिटी होती हैं। आप उस बेस्ट क्वालिटी की पुण्यात्मा हो जो आपको ऐसे समय में मानव शरीर मिला, इस भक्ति काल में, मोक्ष काल के अंदर, मोक्ष समय है ये, मुक्त होने का ये गोल्डन चांस इसी समय होता है कलयुग के अंदर ही, और वो ये है पिछली पीढ़ी। और अब जिसको ये मानव शरीर प्राप्त है, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो, आप युगों युगों से परमात्मा के चरणों में रहे हो,